Uh, today we are looking the, uh, to find, uh, to compute the seasonal indices uh, by using uh, a ratio to moving method and uh, uh, we have uh, quarters in the form of quarters are given and the data is there so we will have to find the seasonal indices by ratio to moving method. Uh, first of all, what we have to do? क्वार्टर्स मैंने भी लिखे हुए हैं सबसे पहले हम इनको क्वार्टर्स uh, को लिख लेंगे और जो क्वेश्चन होता है सीजनल एंड का उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना पड़ता है तो हम सबसे पहले यहां पे सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाल लेंगे सबसे पहले जब सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड हो जाएगा

क्वार्टर चूंकि क्वार्टर से तो फोर क्वार्टर मूविंग टोटल मूविंग टोटल हमें यह कॉलम बनाना पड़ेगा सबसे पहले फिर हमें पहले हम फोर क्वार्टर को कर निकाल ले मूविंग टोटल और फिर हमारे पास आएगा फोर क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड मूविंग टोटल फोर क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल एवरेज आएगा अब टोटल आएगा जी तो ये कॉलम आ जाएगा जी हमारे पास ठीक है जी अब सबसे पहले हम फोर क्वार्टर मूविंग टोटल यानी चार सालों का हमने ये चेक करना है तो आप ये देखें ये वन टू थ्री फोर ये यहाँ तक हमारे पास चार क्वार्टर आते हैं तो इसके सेंटर में आएगा यहाँ पे यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में तो ये मेरे पास कितना आएगा इनको हम सम करेंगे चार क्वार्टर को ठीक है तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री फोर्टी फाइव ठीक है हाँ अब ये वाला पहले वाला इग्नोर करके नेक्स्ट फोर वन टू थ्री फोर ये फोर यहां तक आएगा हमारे पास वन जीरो सेवन तक और इसके बिल्कुल सेंटर में फिर हम टोटल लेंगे तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा थ्री फोर्टी सेवन नेक्स्ट मेरे पास फिर फोर ईयर का ये हम इग्नोर कर देंगे वन टू थ्री फोर तो यहां तक एटी थ्री तक आ जाएगा हमने पिछला इग्नोर करते जाना आगे बढ़ाते जाना और इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा यहां पे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा थ्री फिफ्टी थ्री थ्री फिफ्टी थ्री अब मैंने क्या करना है ये वाला इग्नोर कर देना कौन सा आएगा 95 फाइव आएगा फिर वन जीरो सेवन आएगा एटी थ्री आएगा सेवनटी फोर आएगा और इसके सेंटर में हमने सिर्फ सिंपल टोटल करना है तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री फिफ्टी नाइन थ्री फिफ्टी नाइन सेम इसी तरह से ये इग्नोर करेंगे अब क्या करोगे वन जीरो सेवन एटी थ्री सेवनटी फोर और वन जीरो सिक्स इनको ऐड करोगे और इसके सेंटर में लिख दोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री सेवेंटी और इसी तरह से ये सारे हम टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जितने भी टोटल हैं वो सारे इसके सेंटर में आ जाएगा मेरे पास जी थ्री uh, एटी आ जाएगा फिर मेरे पास थ्री नाइनटी सिक्स आ जाएगा फिर मेरे पास फोर जीरो एट आ जाएगा और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा जी फोर uh, फोर four, फोर्टीन तो मैंने चार चार साल को लेके उसके सेंटर में लिखता गया अच्छा अब अब हमने क्या करना है अब फोर क्वार्टर सेंटर अब सेंटर आ जाएगा सेंटर सेंटर क्या करना है इन दो का करना इन दो का करोगे तो ये सिक्सटी एट के बिल्कुल सामने आएगा सिक्सटी एट यानी थर्ड क्वार्टर के बिल्कुल सामने आएगा दो का टोटल और जब इनका टोटल करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जी सिक्स नाइन्टी टू और ये देखे यहां पे ये मैं बिल्कुल क्लियर लगा रहा हूं यहां पे ये थर्ड क्वार्टर के सामने आ रहा है ये ठीक है फिर फोर क्वार्टर के सामने आएगा टोटल ये देखें जी अब इन दोनों का टोटल करना है ये देखें यहां पे मैं ये मेंशन कर रहा हूं इन दोनों का टोटल करना तो जब ये टोटल करेंगे तो ये सेवन हंड्रेड आ जाएगा नेक्स्ट यहां पे आएगा ये देखें यहां पे और इन दोनों का टोटल करना है ये देखें यहां पे इन दोनों का टोटल तो इन दोनों का टोटल किया तो सेवन ट्वेल्व आ गया अब इसी तरह से ये सारे टोटल हम ऐसे ही सेंटर में करते जाएंगे ये देखें क्वार्टर में आते जाएंगे बिल्कुल सामने क्वार्टर के ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्वार्टर के बिल्कुल सामने तो ये सेवन ट्वेल्व आ गया सेवन ट्वेंटी नाइन आ गया नेक्स्ट मेरे पास सेवन फिफ्टी आ गया डबल सेवन सिक्स आ जाएगा एट जीरो फोर आ जाएगा और फिर मेरे पास एट डबल टू आ जाएगा तो ये मेरे पास वैल्यूज हैं उसकी को देंगे। ये मेरे पास सेंटर्ड गए। अब हमने क्या निकालना है अब हमने एवरेज निकालनी इसी की फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज अब हमने एवरेज निकालनी अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आपको क्या करना पड़ेगा इसको एट पे डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है जब जब आप डिवाइड करेंगे जी एट पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एट पे डिवाइड करने के बाद एट्टी सिक्स पॉइंट फाइव नेक्स्ट आ जाएगा एटी सेवन पॉइंट फाइव फिर एटी नाइन पॉइंट एटी नाइन पॉइंट ज़ीरो आ जाएगा नाइन्टी वन पॉइंट वन नाइन्टी थ्री पॉइंट एट नाइन्टी सेवन आ जाएगा जी नेक्स्ट 97 के बाद 100.5 100. आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा जी मेरे पास 102.8 आ जाएगा ये मेरे पास आ गया जी एवरेज आ अच्छा अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट हमारे पास सीज़नल आ जाएंगे कि हमने क्या करना है सीज़नल इंडेक्स को हमने कैलकुलेट कर अच्छा अब सीजनल को निकालने के लिए यहां पे इसका ये तरीका होता है इसका फार्मूला ये होता है ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू ओवर आ, ट्रेंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये इसका फार्मूला होता है ओरिजिनल ओवर ट्रेंड मल्टीप्लाई बाई सेवन अब इसके सामने देखें ये क्वार्टर आ रहा है तो ये कौन सा आ रहा है सिक्सटी एट ये वाला सिक्सटी एट तो सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई 68 डिवाइडेड बाय 86.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा जी ये मेरे पास आ जाएगा 78.61 ये पहले का आ जाएगा ठीक है पहले क्वार्टर का आ जाएगा इसी तरह से जब हमने इसका कैलकुलेट करना इसका तो इसके सामने क्वार्टर देखें ये 95 आ रहा है ये 95 तो क्या आएगा डिवाइडेड ड्रेड तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी वन जीरो एट पॉइंट फाइव सेवन वन जीरो सेवन एक और कैलकुलेट कर दूं अब या ये कैलकुलेट करना है और इसके सामने ये पड़ा हुआ ये वन जीरो सेवन औरिजिनल वैल्यू औरिजिनल वैल्यू तो ये आ जाएगा वन जीरो सेवन डिवाइडेड बाई एटी नाइन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा जी वन ट्वेंटी पॉइंट टू टू वन ट्वेंटी पॉइंट टू टू और ये सारे ऐसे हम सारे कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है जी अच्छा जी देखें जी अब हमने क्या किया ये हमने सीजनल एंडाइसिस निकालते हैं परसेंटेज की फॉर्म में अच्छा ये मैंने डाटा सारा लिख लिया ये मैंने कहाँ से लिखा है ये देखें ये पहले दो क्वार्टर और आखिरी दो क्वार्टर जो है वो छोड़े हुए हैं अब कहाँ से आए ये देखें यहाँ से हमने कैलकुलेशन शुरू की थी तो पहले दो साल जो हैं दो क्वार्टर जो हैं वो दो क्वार्टर जो हैं वो स्किप हैं पहले दो क्वार्टर तो हमने दो क्वार्टर छोड़ दिए पहली वैल्यू यहाँ पे निकाली थी ओरिजिनल ओवर ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स वन तो ये देखें यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सेवनटी एट पॉइंट सिक्स वन थर्ड क्वार्टर का सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे वन जीरो एट पॉइंट फाइव सेवन क्वार्टर तो यहां पे आप चेक करेंगे तो आपको भी ये 1.08.60 तो ये सारा कहां से आया है ये मैंने वो कैलकुलेशन की है जो कि मैंने लास्ट कॉलम के अंदर मैंने सीजनल एंडलाइसिस निकाली अब ये वाले सारे क्या हैं ये परसेंटेज हैं परसेंटेज की फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट किया है तो वो मैंने डाटा जो है वो आपके सामने रख दिया अब आपने क्या करना है यहां पे इसका टोटल निकालना सबसे पहले टोटल इन सब का टोटल ये आ जाएगा ये सिक्स थ्री टू टू थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इसका आ जाएगा वन एटी सेवन पॉइंट फोर वन इसका सम करेंगे तो वन फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो और इसका जब करेंगे तो टू वन सेवन पॉइंट डबल एट इसके बाद टोटल के बाद आपने इसका निकालना है जी मीन एवरेज निकालनी ठीक है अब आपने एवरेज कैसे निकालनी है ये टू थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फोर है और इसकी वैल्यूज कितनी है दो ये तो उसकी पे तो टू पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा वन वन एट पॉइंट थ्री जीरो सेम इसको भी टू पे डिवाइड करेंगे यानी कि सारी वैल्यूज टू टू आ रही हैं तो टू पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन जीरो इससे पॉइंट सेवन फाइव फिर नेक्स्ट आ जाएगा वन जीरो एट पॉइंट नाइन फाइव ये हमारे पास मीन आ गए अब ये हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो ठीक आया या नहीं इसको करने के लिए यहां पे हम टोटल लिखते हैं और इसका टोटल हम चेक करते हैं कि टोटल कितना आता है ठीक है अगर इसका टोटल फोर हंड्रेड या फोर हंड्रेड के बिल्कुल नियर अबाउट यानी थ्री नाइन पॉइंट समथिंग अगर आ जाए या 400.0 समथिंग आ जाए ठीक है तो ये इसके बिल्कुल क्लोज टू फोर हंड्रेड से सफर होता है और अगर थ्री नाइन्टी एट पॉइंट समथिंग आ जाए तो इसके लिए फिर हमें एडजस्टेड का कॉलम बनाना पड़ता है अगर यहां पे अदरवाइज हमें एडजस्टेड का कॉलम बनाना पड़ेगा ठीक है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एडजस्टेड वाला क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि कैसे हम एडजस्टेड करेंगे ए, कैसे आएगा तो अब ये वाला टोटल हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें एडजस्टेड की जरूरत है या नहीं है तो इसका आंसर आया थ्री नाइन पॉइंट सेवन आया तो ये देखे क्लोज टू 400 फोर हंड्रेड तो अब इसके अंदर हमें सीजन जो है एडजस्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है तो ये मेरे पास जो है ये क्या आ गया ये सीजनल एंडाइसिस आ गया बाई द मैथड ऑफ रेशो टू मूविंग एवरेज